प्यारे बच्चों, मैं ज्योति राष्ट्रीय विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 के क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 हमारे खनिज संपदा। हमारी खनिज संपदा, जैसे हमारे खनिज जो है, देखिए मैंगनीज, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, सोना, खनिज तेल, लोहा, खनिज संपदा का संरक्षण, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं, हम भूमि को खोदकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त करते हैं। भूमि को खोदकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ये पदार्थ हमारे खनिज संपदा कहलाते हैं। जो हमारे भूमि के अंदर होते हैं, उन्हें खोदकर हम प्राप्त करते हैं, वो भूमि के अंदर से खोदकर पदार्थ को प्राप्त करते हैं। भूमि को खोदकर पदार्थ को निकालते हैं, उन्हें हम खनिज संपदा कहते हैं। एल्युमिनियम, मैंगनीज, लोहा, तांबा आदि खनिजों के उदाहरण हैं। इन सभी पदार्थों को शुद्ध करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। बहुत से खनिजों का प्रयोग हम ऊर्जा संयंत्र में भी करते हैं। बहुत सारे खनिजों का प्रयोग हम ऊर्जा यंत्रों में करते हैं। ताप, विद्युत, गृह तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी खनिज पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस जगह से खनिज पदार्थों को निकाला जाता है, उसे खान तथा खान में कार्य करने वाले श्रमिकों को खनिज कहते हैं। जहाँ से हम लोगों को खनिज प्राप्त होता है, जिस जगह से निकालते हैं, उसे खान तथा खान में कार्य करने वाले को खनिज कहते हैं। जो खान में काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख तथा उनका वर्णन निम्नलिखित है, आइए देखते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया, मैंगनीज, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, सोना, खनिज तेल, लोहा, खनिज संपदा का संरक्षण। पहले देखते हैं मैंगनीज। भारत में मैंगनीज जो है, भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश आज मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग सूक्ष्म बैटरी, कांच का सामान, शीशे का सामान जो होता है, कांच का सामान, ब्लीचिंग पाउडर, बिजली आदि में प्रयोग किया जाता है। कांच का सामान बनाने में शुष्क बैटरी, ब्लीचिंग पाउडर, बिजली आदि बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश जो है मैंगनीज उत्पादन में सबसे आगे है। इसका मुख्य प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इसका जो मैंगनीज है, इसका मुख्य उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं तांबा। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम चालक है। तांबा जो है, ये बहुत लचीला, मतलब बहुत मुलायम, लचीला और बिजली का उत्तम चालक है। बिजली, टेलीग्राम तथा टेलीफोन के तार एवं रेल के अन्य सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली, टेलीग्राम तथा टेलीफोन पर तार एवं रेल के सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा जो है, सिक्के बनाने और बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर एक तांबा का लोटा होता है, जिसे पूजा, भगवान जी का पूजा किया जाता है, वो भी तांबे का ही होता है। तांबे का वार्षिक उत्पादन लगभग बहुत ज्यादा होता है। तांबे का वार्षिक उत्पादन जो है, वो बहुत ज्यादा होता है। तांबा बहुत ज्यादा ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कोयला। कोयला रेल इंजन, बिजली घरों, विभिन्न उद्योग धंधों, यंत्रों को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कोयला है, इसका प्रयोग रेल इंजन, बिजली घरों, विभिन्न उद्योग धंधों, यंत्रों को चलाने में कोयला का प्रयोग किया जाता है। कोयला दामोदर, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदियों के घाटों में पाया जाता है।
कोयला जो है वो दामोदर नदी, दामोदर सोन महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों की घाटियों में पाई जाती है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, कोयला जो है उसे काला सोना भी कहा जाता है। अब देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट हवाई जहाज तथा बिजली के तार आदि एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। बॉक्साइट हवाई जहाज तथा बिजली के तार आदि एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक हल्की धातु है, बॉक्साइट एक हल्की धातु है, इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं। इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कश्मीर इसके प्रमुख उत्पादक हैं। इसके प्रमुख उत्पादक हैं मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कश्मीर इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब देखते हैं सोना। सोना तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, सबके घरों में मम्मी लोग, दीदी लोग, सब लोग, छोटा बड़ा सब लोग पहनती हैं। सोने के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, सोना एक महंगा था, सोना जो है महंगा धातु है, सोना एक बहुमूल्य धातु है, ये महंगा धातु है। इसका प्रयोग गहने बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग जो है गहने बनाने में किया जाता है। सोने की खान संसार में सबसे गहरी है, सोने की खान जो है संसार में सबसे गहरी है। चट्टानों में सोना नाम के रूप में प्राप्त होता है, चट्टानों में जो है सोना नसों के रूप में, चट्टानों में सोना नसों के रूप में, मतलब नस पतले, बहुत पतले रूपों में प्राप्त होता है, जिसे चूड़ करके अलग किया जाता है, इसको बहुत महीन करके हल्का करके उसको अलग किया जाता है। सोना एक बहुत महंगा धातु है, इसको गहने, ये गहने बनाने के प्रयोग में आता है। ये चट्टानों में बहुत महीन रेशों की तरह प्राप्त होते हैं, इसे चूड़ बना करके अलग किया जाता है। अब देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल मशीन यातायात के साधन आदि तेल से चलते हैं, मशीन यातायात के साधन आदि तेल से चलते हैं। प्रयोग में सुविधा की दृष्टि से खनिज तेल मुख्य कोयले से अधिक हो गया है। आज के समय में कोयले से अधिक खनिज तेल महत्वपूर्ण हो गया है। तेल पृथ्वी से गहरे कुएं खोदकर बड़े बड़े पंप लगाकर प्राप्त किया जाता है। जो तेल है पृथ्वी के गहरे कुएं खोदकर बड़े बड़े पंप लगाकर प्राप्त किया जाता है। इन कुओं से प्राप्त कारखानों में जो तेल निकाला जाता है जमीन से, वो शुद्ध नहीं होता, उसे तेल शोधक कारखानों में शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार पेट्रोल, डीजल, गैस, ग्रीष्म तथा मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पेट्रोल, डीजल, गैस, ग्रीष्म तथा मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक तथा मोम भी इसी प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, प्लास्टिक और मोम इसी प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। समुद्र में बॉम्बे हाई एवं विशाखापट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में भी तेल प्राप्त किया जाता है। बॉम्बे हाई एवं विशाखापट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में भी कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। हल्दिया, बड़ौदा, मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, मथुरा में प्रमुख तेल शोधक कारखाने, तेल को शुद्ध करने के कारखाने बड़ौदा, मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, मथुरा में प्रमुख तेल को शुद्ध करने के लिए कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में जिले में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में जिले में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित है। इन कारखानों के लिए बिजली रिहत बांस से प्राप्त होती है, इस कारखाने के लिए बिजली जो है वो रिहत बांस से प्राप्त होती है। अब देखते हैं लोहा। लोहा लौह अयस्क को शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क एक धातु, उसको शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। आज के समय में आप लोग जानते होंगे सबके घरों में लोहे का कुछ ना कुछ हथियार होगा, सब लोगों ने लोहे के हथियार सबके घरों में होंगे। भारत में सिंह भूमि को इंजाय, सिंहभूम को इंजाय, बोराय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,
मयूरगंज एवं गोवा में लौह अयस्क के प्रमुख खाने हैं। प्रमुख खाने इनके सिंहभूमि, बोराई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। मयूरगंज एवं गोवा लौह अयस्क के प्रमुख खाने हैं। इस्पात के रूप में राउरकेला, जमशेदपुर आदि के प्रमुख कारखाने हैं। इस्पात के रूप में राउरकेला, जमशेदपुर आदि के प्रमुख कारखाने। यहाँ पर छोटी सी सुई से लेकर बड़े जहाज तक बनाए जाते हैं। हमारे देश में उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में उत्तम मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं जिनका प्रयोग हम अन्य वस्तुओं को बनाने में करते हैं, जैसे यूरेनियम, अभ्रक आदि। अब देखते हैं खनिज संपदा का संरक्षण। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा उपहार दे दी है। उपहार में दी है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी सुरक्षा करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमें मिले हैं इनकी सुरक्षा हम करें, इनकी सुरक्षा और इन्हें समाप्त होने ना दें। इनकी सुरक्षा करें और इनको समाप्त, इनको खत्म होने ना दें। इनके संरक्षण के लिए इनका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। इनका बचाने के लिए इनका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए। पृथ्वी में खनिज लाखों वर्षों में बनते हैं। पृथ्वी में जो खनिज हैं वो लाखों वर्षों में बनते हैं। यदि खनिज पृथ्वी के अस्तित्व में से समाप्त हो गए तो इन्हें नहीं बना सकते हैं। अगर पृथ्वी में जो खनिज हैं वो खत्म हो गए तो इन्हें कोई बना नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैग्नीज, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, सोना, खनिज तेल, लोहा, खनिज संपदा का संरक्षण, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसकी जरूरत कहाँ होती है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसके खाने कहाँ कहाँ हैं, आप लोगों ने इसे समझा होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।